ये सरप्राइज विजिट है जो जिसका मुझे भी नहीं पता था। की स्पीड 7.68 किलोमीटर। आज मैं लेके नहीं गई कैमरा, इसीलिए आप लोगों को दिखाया नहीं। अब मेरे पास टाइम कम रह गया है तो इसीलिए मुझे बिना कैमरे के वॉक करनी पड़ेगी। आपको आसपास के शॉट दिखा दूंगी और अपनी वॉक दिखा दिया करूंगी, बस कि इतनी वॉक करके आएगी मैं, ठीक है ना। क्योंकि डेली अगर मैं जाऊंगी ना कैमरा लेके तो मेरी वो वॉक नहीं हो पाएगी। और आज एक भैया ने कह दिया, मैडम अच्छा खासा खा रही हो आप मतलब भैया हैं वो हमारे, कह रहे हैं भाभी जी अच्छा खासा खा रही हो जो आप, सेहत बन रही है आपकी। मुझे बहुत इंसल्ट हो रही है सच में, और जबकि खा नहीं रही हूँ इतना, बल्कि अभी तो कंट्रोल किया हुआ है। कल इडली खा के आए थे और कुछ ऐसी चीज़ नहीं खाई, दिया के बर्थडे में खाया, तो 2 दिन में इतना ज़्यादा हो जाएगा अब वो भी एक ही टाइम खाया था बर्थडे में, जो खाया था 6 बजे करीब, और सुबह शाम कुछ नहीं खाया था। दिया ना मुझे इतना डरा देती है, मेरा कहीं जाने का प्रोग्राम बन रहा था और पता नहीं है, लेकिन क्या है कि जुकाम बोल रही और बोल रही स्मेल नहीं आ रही। वैसे तो जुकाम में भी हो जाता है, तो उसके लिए स्टीम दे रही हूँ उसको। फिर ऐसे में छोड़ के, पहले तो साथ जाने का था उसका, फिर उसको पता चला कि वहाँ ट्रैक है, जा चुकी हूँ उस जगह, तो उसने कैंसिल ना कर दिया दूर से। अब तब तो मैं साथ होती तो मुझे ये था कि चलो मेरे साथ है वो, मैं देखभाल कर रही थी। हाँ, अब वो है नहीं तो पीछे से छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है उसको। ज़रा देखती हूँ आज तक का टाइम है आज का मेरे पास, अगर ठीक हो गई तो ठीक है, शाम तक वैसे आराम पड़ जाएगा, तो नहीं तो फिर कैंसिल करना पड़ेगा। इसके पैर बर्फ़ जैसे सुन रहते हैं, तो इससे ड्रायर से गर्म कर रही थी, बताओ। कह रही है हीटर निकाल दो, इतनी तेज़ धूप निकली है बाहर, इतनी तेज़। मैंने बोला क्या कहते हैं, ये देखो यहाँ पे कितनी तेज़ धूप निकलती है। सब लोग सोच रहे हैं कि यहाँ सर्दी आ गई, लेकिन बहुत तेज़ धूप है। मैंने कहा धूप में बैठ जा, ये मतलब ये ड्रायर से गर्म हो कर रही थी, अपने पापा की तरह मेरे पीछे पड़ रही है अभी से। मतलब 4-5 दिसंबर है, तो कह रही है कि ये निकाल दो, मतलब वो हीटर निकाल दो। मैं बना रही हूँ अपने लिए साबूदाने खिचड़ी। बन गई है खिचड़ी, पर थोड़ी चिपकी चिपकी सी बनी है। ये भोग लगाती हूँ, गाय की निकालूंगी इसमें अलग से, और मिर्च हटा देती हूँ। लड्डू गोपाल जी कहेंगे इतनी मिर्च खिला दी माई मुझे। सडनली मेरा, मैं बता ही रही थी कि मेरे को जाना पड़ेगा, बुलावा आ रहा है, बुलावा आज्ञा मिल गई है, तो मैं कर रही हूँ कल सुबह की तैयारी, और 2-3 दिन के लिए जाऊँगी दिया को रेनू के पास छोड़ के। और वो वहाँ पे ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बना पाऊँगी मैं, क्योंकि ज़्यादा आपको कुछ दिखा पाऊँ, क्योंकि अपनी पर्सनल कुछ चीज़ें भी होती हैं। आज का वीडियो तो आएगा ही, कल का भी अपलोड कर दूँगी, परसों का ये छोटा सा होगा जो हो जाएगा बाकी दिया को बोल के जाऊँगी, देखूँगी वो बनाएगी कि नहीं बनाएगी। उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, अभी दवाई ले आई थी उसकी, फ़िलहाल काफ़ी आराम है उसको, दवाई दे दी है मैंने, उसको हो जाती है ये कोल्ड। ये तैयारी होगी है, शूज़ रखूँगी, पहनूँगी सुबह। ये बैग तैयार कर लिया है, इस बार ज़्यादा कोई सामान होगा नहीं, बस ये छोटा सा बैग है। ये सरप्राइज़ विजिट है जो जिसका मुझे भी नहीं पता था। बहुत छोटा सा वीडियो बनेगा ये तैयारी का, सरप्राइज़ विजिट पता नहीं कहाँ की है वहीं जाके ठंड लगेगी कि नहीं लगेगी, ये स्वेटर नहीं पहनती है और ठंड हो रही है। मैंने भी स्वेटर पहना हुआ है, मैंने स्वेटर पहना हुआ है। हमारी दिया हीटर निकलवा रही है, हीटर लगने से ना वो है दिमाग में मेंटली, वो हीटर 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 अब निकल जाएगी तो ये अपने आप ठीक हो जाएगी। आज सुबह से सोई नहीं हूँ, तो 7:30 बजे नींद आनी शुरू हो गई है, और सुबह शायद 3:30-4 बजे उठ के जाना भी है, तो मैंने कहा चलते हैं और गंगा जी के दर्शन तो करा दो। ये देखो ऐसी आई है जैसे कि अंटार्कटिका में जा रही है, स्नोफॉल हो रही है, और सब शूज़ पहन के घूम रहे हैं मेरे सिवा भैया बहुत शादी है, हमें कोई शादी में नहीं बुला रहा तू तो हो आई ना बदतमीज। हाँ तू ना, हाँ तूने बहुत डिस्को किया होगा। भैया का फ़ोन आता है तो मैं इसके साथ बैठी होती हूँ रेनू के साथ, और रेनू मेरे साथ बैठी होती है, तो भैया कहते हैं कि तुम एक ही घर ले लो और तुम उसी में रहो। मैंने कहा नहीं, फिर हमारे झगड़े होंगे, हम रहेंगे दो दो में, मतलब वैसे दो घरों में रहेंगे लेकिन एक घर में आते जाते रहेंगे। आज हमारा जाने का प्रोग्राम था इधर, कि हम परमार्थ की साइड घूमते हुए आएंगे,
लेकिन अब मेरे साथ ये भी शामिल हो गई है यात्रा में, आपकी बार विश्व सुंदरी भी जाएगी। हम मतलब समझो कि दोनों का बुलावा था, बड़ा ज़बरदस्त बुलावा था। हाँ। तो और अगर चढ़ाई में न कर पाऊँ तो आप सभी के ब्लेसिंग्स चाहिए भाई, पीछे से धक्के मारने के लिए। और मेरे कंधे पे मत चढ़ियो, मेरे कंधे पे ये इसका कुछ नहीं भरोसा हो सकता कि ये कंधे पे लटक जाए। हम यही वीडियो जल्दी समाप्त कर रहे हैं क्योंकि हमें कल जल्दी निकलना है 3:30 बजे। मेरी तैयारी तो हो चुकी है, अब ये जाके घर पे करेगी अचानक से। हाँ हाँ हाँ। तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ ज़रूर लगाएं। और ठीक है, इसकी खाना बनाने वाली भी आ गई, अब दोनों में खाना हो जाएगा काम जाएगा। और हमारे बच्चे कर लेंगे तब तक मैनेज। हर हर गंगे हर हर महादेव, दिए इसने याद दिलाया। पेड़ जरूर लगाए, हमें जाने की जल्दी है भाई, पेड़ जरूर लगा लो वरुण भैया के। एक एक करके लोग जो है ना ऋषिकेश में शिफ्ट होना चाहते हैं। हाँ। तो मैं तो यही कहती हूँ पूरे इंडिया को ही ऋषिकेश बना देते हैं। हाँ, पूरे इंडिया को ही ऋषिकेश बना दो ना। और वरुण भैया के फ्रेंड के बेटे ने दिया के बर्थडे पे पेड़ लगाया है, छोटा सा नन्ना सा लगाया है। हाँ, मैं उसकी पिक्चर शेयर, क्योंकि उनकी पर्सनल है ना बच्चे की पिक्चर, उन्होंने मेरे को वीडियो भेजी है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक पेड़ वहाँ लग गया दिया के बर्थडे के नाम का। हर हर गंगे हर हर महादेव।